अब गाइस हमारा फ्री फायर इंडिया कब आएगा कब नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर मैं भी इस बारे में आपको ये बताने नहीं आया हूँ। हम सबको ये तो पता है कि भाई कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, 2023 में नहीं आएगा, 2024 में तो आ ही जाएगा। अब फ्री फायर इंडिया आ ही रहा है तो हमारे गेम में बहुत सारे फीचर्स है जो की बहुत ज्यादा अच्छे है, और बहुत सारे फीचर्स ऐसे है जो की बहुत ज्यादा बकवास है जिसे गेम में होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के जोड़े में आप लोगों को टॉप 6 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, अगर ये हमारे फ्री फायर गेम में एड हो जाते हैं ना तो हमारा फ्री फायर गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फीचर्स दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर इंडिया। और जो लोग मुझे कहने वाले हैं क्या भाई तो फिर से फ्री फायर इंडिया की, अबे भाई ये फ्री फायर इंडिया की वीडियो कहाँ है, ये तो भाई सालों पुराना कंटेंट है हमारा फीचर्स दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर वाला। अब जहां मैं पहले गरीना फ्री फायर यूज करता था वहां आज के टाइम में फ्री फायर इंडिया यूज करता हूँ, बस नाम ही तो ऐसा किया है ना, तो काफी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई कब से मैं फ्री फायर इंडिया की ही वीडियो बना रहा हूँ। अरे यार क्या बोलूं अभी। फीचर दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर नंबर 6। गाइस हमारे गेम में चैट वाला ऑप्शन है। अब हम पहले तो भाई ऑनलाइन यहाँ से बात भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम चैट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन गाइस इस चैट वाले सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो गरीना फ्री फायर को कभी इस चैट वाले ऑप्शन में कभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने नोटिस किया है जब से मैं गेम खेल रहा हूँ 4.5 साल से, गरीना फ्री फायर ने कभी भी चैट वाले ऑप्शन में अपग्रेड नहीं किया है। अपग्रेड किया है तो भाई इमोजीज को ऐड किया है और फिर वो थोड़े टिम्बू आ जाते हैं ना, कोई मतलब कुछ वर्ड्स को ब्लैकलिस्ट कर, जिस वजह से सामने वाले बंदों को वर्ड्स नहीं पहुंचते, तो ये सब अपग्रेड किया है, लेकिन कस्टमाइज तो कभी किया ही नहीं है, इसमें अच्छी चीजों को तो लाया ही नहीं गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हमारे गेम में इमोजीज है, ये इमोजीज का तो काफी सारे लोगों को मतलब ही नहीं पता। मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि इमोजीज का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हीं इमोजीज का यूज करते हैं और इनको पता ही नहीं होता है कि इमोजीज का मीनिंग क्या होता है, और बार बार यही इमोजी भेज के भाई बोरिंग सभी लगता है। तो अगर फ्री फायर ऐसा कर देता है कि हमारे कीपैड में जो इमोजीज होती है, कि हम व्हाट्सएप में इमोजीज वगैरह यूज करते हैं ना, तो वैसे कीपैड में जो इमोजीज वगैरह है उसे गरीना फ्री फायर अगर अलाउ कर देता है और हम कोई भी इमोजीज को फ्री फायर गेम में यूज कर पाएंगे चैटिंग के टाइम, तो कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जहां तक मुझे याद है हम हार्ट वाला जो इमोजी है उसे फ्री फायर गेम में यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना भाई बहुत सारे और इमोजीज है उसे भी गरीना फ्री फायर गेम के अंदर अलाउ कर दिया जाए, इससे गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब जो निब्बा निब्बी है, मतलब जो कपल्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उन्हें व्हाट्सएप में जाके चैट वैट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग यहीं पे दिन भर पड़े रहेंगे। और आप जस्ट सोचो भाई ये छोटे चेंज से हम लोग कितना ज्यादा अच्छा लगेगा चैट करने के लिए भी। इस चैटिंग वाले सिस्टम के साथ मेरे को एक और प्रॉब्लम दिखती है। सपोज हम लोग गेम खेल रहे हैं और हमारा फ्रेंड ऑनलाइन आया है, उसने हमें विस्पर किया, मतलब मैसेज किया, और वो मैसेज हम लोग देख नहीं पा रहे जब तक हम लॉबी में ना जाए। अगर उस बंदे ने हमें मैसेज किया है और हम गेम खेल रहे हैं और गेम के साथ ही हम ऑफलाइन चले जाते हैं और वापस अब जब ऑनलाइन आएंगे तो उस बंदे ने मैसेज क्या किया था वो तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो फ्री फायर को कम से कम एक छोटा सिस्टम ऐड करना चाहिए कि जो मैसेज हमने पढ़ा नहीं है वो हम लोगों को मेल सेक्शन में देखने मिल जाए कि इसी बंदे ने आपको ये मैसेज किया था। क्योंकि अगर कोई बंदा ऑफलाइन होता है गाइस तो हम उसे मैसेज नहीं कर सकते, अगर आपको पता हो तो। गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। फीचर दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर नंबर 5। अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फ्री फायर इसको ऐड करो, ये फ्री फायर खुद ही ऐड करने वाले आने वाले कुछ टाइम में। हमारे गेम में इंटरैक्टेड बॉक्स है, इसे क्या क्या कहते हैं भाई, आर्सेनल चेंबर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब भाई इसमें कितनी ज्यादा लूट होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप आने वाले टाइम में गाइस देख लेना, इस चीज को मैं लिख के देता हूँ कि आप आर्सेनल चेंबर के अंदर ग्लूवल नहीं लगा पाओगे। पहली बात तो आर्सेनल चेंबर में इतनी सारी लूट होती है कि बंदे लोगों की नजर पड़ी होती है कि भाई ये कब खुलेगा और कब घुसेंगे, और बहुत सारे लोग तो भाई आर्सेनल चेंबर के पास कैंपिंग कर रहे होते हैं कि कोई बंदा आएगा फिर हम उसे मार देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे महारथी ऐसे भी होते हैं जो कि नायरी कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, आर्सेनल चेंबर के अंदर जाके ग्लूवल लगा लेते हैं जिससे उनका ग्लूवल फूटता ही नहीं है, सारा मस्त आराम से वहां पे अंदर पे लूट कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐड करो, लेकिन ये गरीना फ्री फायर आने वाले टाइम में खुद ही ऐड कर देगा कि हम आर्सेनल चेंबर के अंदर ग्लूवल लगा ही नहीं पाएंगे। और आप लिख के ले लो, देखना आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ अपडेट्स में ये होके ही रहेगा। फीचर दैट नीड टू बी ऐड इन फ्री फायर इंडिया नंबर 4। और गाइस ये वाला फीचर तो भाई मैं सालों से चाहता हूँ कि भाई ऐड हो। जब हम कस्टम बनाते हैं तो कस्टम में प्लेयर्स को ऐड करते हैं और कस्टम रूम में ये ऐसा यहाँ पे बैठे रहते हैं, साला कम से कम यहाँ पे जो कस्टम रूम में आ रहा है वहाँ पे माइक का ऑप्शन दे दो ताकि हम कस्टम रूम में जो बंदे ऐड हो रहे हैं उनसे बात तो कर पाए। ऐसा ही होता है कि मेरे को कस्टम रूम में लोग बुला लेते हैं और उसके बाद मुझे घंटों तक वेट करना पड़ता है क्योंकि अपोनेंट प्लेयर आए नहीं होते, और फिर मुझे मेरे फ्रेंड को कॉल करना पड़ता है और उसका नंबर मेरे पास नहीं होता तो मुझे गेम में मैसेज करना पड़ता है, और गेम में मैसेज का रिप्लाई करता नहीं है बंदा क्योंकि बिजी होता ना बंदों को बुलाने के लिए। साला कम से कम ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे माइक का ऑप्शन दे ही सकते हैं यार, ताकि हम लोगों से बात कर पाए कि भाई कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। भाई ये सालों से सोचते आ रहा हूं मैं, मुझे लगा अब ऐड होगा लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ऐड होना चाहिए क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा टाइम
टाइम वेस्ट भी करता है। अब तो साला गेम में टाइम लिमिट भी आ गई है तो और टाइम खा जाएगा ये, तो ये करना चाहिए फ्री फायर को। फीचर दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर नंबर 3 स्ट्रिक। अब भाई क्लैश स्क्वाड में जो स्ट्रिक है इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। ये विनिंग स्ट्रिक भाई कोई कोई 20 करता है, 25 करता है, कोई कोई 100 कर लेता है। और वैसे ही क्रेज ना बीआर में भी हो सकता था, लेकिन बीआर में होता नहीं है। रीजन क्या है? लोगों को स्ट्रिक दिखती ही नहीं है बीआर में कितनी स्ट्रिक बनाई है उस बंदे यार ने। मैं चाहता हूँ कि अपने गेम में एक ऑप्शन आए, मतलब एक अलग सा सेक्शन आ जाए कि इस बंदे ने आज तक मैक्सिमम स्ट्रिक कितनी की है, मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक कितनी की है। जैसे कि अगर मैंने मैक्सिमम 100 की विनिंग स्ट्रिक की है तो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में कहीं दिखा है कि इस बंदे का मैक्सिमम जो स्ट्रिक है ना वो इतना है। इसके दो फायदे, सबसे पहली बात तो हम किसी बंदे को जज कर पाएंगे ये बंदा सच में अच्छा खेलता है या विनय। और जो फकाल फ्रेंड होते हैं ना, मतलब जो कि फालतू की फकाला देते रहते हैं, मतलब जो मजाक करते रहते झूठ बोल रहे होते हैं, तो उनकी झूठ यहाँ पे आराम से पकड़ी जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है जो बोलता है भाई मैंने 599 का मतलब 599 का एक बार स्ट्रिक किया था लेकिन वो स्ट्रिक टूट गया, अब मेरे पास प्रूफ नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। तो वो मुझे भाई सिंपली भाई बना रहा है, बुद्धू बना रहा है। अगर ऐसा होता है ना, अगर प्रोफाइल एक छोटा सेक्शन, भाई बहुत बड़ी बात नहीं यार, छोटा सेक्शन कि हमने आज तक मैक्सिमम स्ट्रिक कितनी की है, कितना अच्छा लगे यार देखने में। ये छोटी छोटी चीजें से ना हमारा गेम बहुत इंप्रूव होगा गाइस, आप मानो या फिर ना मानो। गाइस क्या लगता है आपको, जो विनिंग स्ट्रिक वाला फीचर जो मैं कह रहा हूँ ये हमारे गेम में ऐड होना चाहिए या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब पक्का आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो क्या करो मेरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आपको फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग चैनल पे मिलते रहेगी। फीचर दैट नीड टू बी एड इन फ्री फायर नंबर 2 ओल्ड प्लेयर है ना आराम से इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे गेम में पहले एक पॉइजन जोन हुआ करता था, जैसे हमारे गेम में डेंजर जोन हुआ करता था ना, रेड जोन बोलते हैं उसके अंदर भाई ऊपर से मतलब प्लेन से ऐसा बॉम्ब फोड़ते थे और जो बंदा घर के अंदर नहीं होता रहा, फिर कवर में नहीं होता रहा, वो बंदा फूट जा रहा था, मतलब एलिमिनेट। और वैसे ही एक ना पॉइजन जोन हुआ करता था, पॉइजन जोन डेंजर जोन आने के बाद आता था। तो पॉइजन जोन का काम ये था कि पहले उसमें दो चीज हुआ करती थी, पहले तो हमारे थोड़े थोड़े देर में हेल्थ कम हुआ करती थी और दूसरा बहुत ही फास्ट तरीके से हमारा जो वेस्ट और हेलमेट है वो पेनिट्रेट हुआ करता था, मतलब जो हमारा वेस्ट और हेलमेट है ऑटोमेटिकली पॉइजन जोन के अंदर होने की वजह से डैमेज हुआ करता था। तो यार मेरे हिसाब से जो हमारे गेम में ग्लू वॉल मेंटर है ना उसके अंदर ना एक फीचर ऐड करना चाहिए कि अगर हमारे हेल्थ डाउन नहीं कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमारा वेस्ट और जो हेलमेट है उसे पेनिट्रेट करो, क्योंकि आज के टाइम पे नायरी यूज कर लेते हैं बंदे, फिर जो ग्लू वॉल मेल्टर है उसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। चलो ग्लू वॉल मेल्टर हम फेंक के मारते हैं, फिर भी नायरी की वजह से ऑटोमेटिकली उसका ग्लू वॉल रिकवर होते रहता है, तो ग्लू वॉल फूटता भी नहीं है और उसको डर भी नहीं होता है कि भाई ग्लू वॉल मेल्टर क्या ही उखाड़ेगा, कुछ भी तो डैमेज नहीं देता है। तो डैमेज मत दो ठीक है, लेकिन कम से कम जो वेस्ट को डैमेज है ना वो दो, ताकि लोग डरे कि भाई ग्लू वॉल मेल्टर फेंक के मारा मेरा वेस्ट बहुत जल्दी जल्दी डैमेज होगा। ये डर हमारे गेम में होना चाहिए, तभी हमारा गेम इंटरेस्टिंग बनेगा, वरना हमारा गेम गोबर के रास्ते में चला जाएगा। आपको क्या लगता है जो ग्लू वॉल मेल्टर वाला मैंने आपको फीचर बताया ही आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि देखो पॉइजन जोन भी हरा हुआ करता था और जो हमारा ग्लू वॉल मेल्टर है वो भी हरा होता है, तो भाई अच्छा कॉम्बो बनेगा और मेरे हिसाब से ऐड करना चाहिए। अब आप लोगों क्या ओपिनियन इस बारे में ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। फीचर दैट नीड टू बी ऐड इन फ्री फायर नंबर 1 गाइस, आप सभी को पता है कि फ्री फायर हमारे गेम में पिछले कुछ टाइम से रैंक्स को लेके बहुत सारे चेंजेस कर रहा है और रैंक्स को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि फ्री फायर को ऐसा लगता है कि रैंक जितना ज्यादा हार्ड होगा या फिर रैंक जितना ज्यादा अमेजिंग या फिर इंटरेस्टिंग होगा उतना गेम खेलने मजा आएगा, और फ्री फायर इस बारे में सच सोचता है, बिल्कुल सही सोचता है। इसीलिए पहले हीरोइक के बाद मास्टर लाया, फिर ग्रैंड मास्टर किया इन्होंने, पहले हीरोइक के बाद आया ग्रैंड मास्टर लगता था और पिछले अपडेट में हीरोइक के बाद इलाइट हीरोइक लगेगा, उसके बाद मास्टर लगेगा, उसके बाद इलाइट मास्टर, फिर ग्रैंड मास्टर लगेगा। लेकिन यार जस्ट इमेजिन ग्रैंड मास्टर के ऊपर भी एक रैंक आ जाए हमारे गेम में, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अब पहली बात तो काफी सारे लोग इस पॉइंट से पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, नहीं भाई ग्रैंड मास्टर नहीं यार, ये हमारा ओल्ड इमोशन है एंड ऑल। भाई ओल्ड इमोशन की परवाह है क्या फ्री फायर को, मुझे एक बात बताओ, हम लोग रोते रहेंगे, फ्री फायर को परवाह ही नहीं है तो हमारे रोने का मतलब ही क्या? लेकिन गाइस जब आप सोचो ना ग्रैंड मास्टर के ऊपर एक और नया रैंक आ जाता है तो भाई क्या ही क्रेज बनेगा, मतलब ग्रैंड मास्टर लोग जाने के लिए तरसते हैं, फिर वो जो नया रैंक सीजन आएगा ना उस पे जाने के लिए लोग तरसेंगे, तो भाई गेम का क्रेज तो क्या ही हो जाएगा। गाइस आप लोग मुझे नेम सजेस्ट करो कि भाई ग्रैंड मास्टर के ऊपर अगर कोई रैंक टायर आता है तो फिर उसका नाम क्या होना चाहिए। अभी तो मेरा फ्री फायर वालों के साथ कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मुझे फेंक दिया है पीपी से, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी पीपी में, तो मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ग्रैंड मास्टर के ऊपर अगर कोई रैंक रहेगा तो उसका नाम क्या होना चाहिए, आप लोग गाइस नाम सजेस्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।